उस दिन वो पड़ोसी ना होते ना तुम्हारी माँ ना बचती। उस दिन के बाद हमारी माँ ने हमारे को और अपने आप को बहुत मुश्किलों से संभाला है। फिर वो बड़े घर वाले वो अमीर लोग उन्होंने उस अकेली औरत को इतना सताया, जीना मुश्किल कर दिया उसका। पर मेरी माँ वो बहुत लड़ी, लड़ के हार गई वो और बस खत्म हो गई। इतना बड़ा धोखा मिला जो उसे हमारे पापा से। बस उस दिन के बाद बनी ने ठान ली कि मैं लायक बनूंगी और अपनी माँ के सारे सपने पूरे करूंगी और शादी मैं बिल्कुल ना करूंगी। तब तक जब तक कि मारे को एक सही जीवन साथी ना मिल जाता, और उसके लिए चाहे मारे को इंतजार में जिंदगी भर कुंवारा ही क्यों ना रहना पड़े। शादी नहीं करोगे तुम मनी? वैसे बन्नी पता है हम दोनों के बीच में ना एक और चीज एकदम सेम सेम है, एकदम सेम सेम। तुम्हारे पापा है ना पापा, और मेरी नई मम्मा है ना माननी मम्मा, वो दोनों सेम सेम है, एकदम सेम सेम। दोनों गंदे बहुत गंदे दोनों। बन्नी इवान के साथ चलो। आओ कहाँ? अरे आओ तो सही बन्नी। कहाँ? अरे आओ तो बन्नी, आओ ना। अरे आओ बन्नी, आओ ना, आओ। ये देखो कितना कितना सुंदर है सब कुछ। मुझे छूना देखो तुम ना बन्नी, इस पे बैठ जाओ। आओ ना बन्नी प्लीज, बैठो ना बैठो, मैं तुम्हें झूला झुलाऊंगा। बन्नी पता है दादू क्या कहते हैं? दादू कहते हैं जब हम भगवान को पूछ रहे हैं ना तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। जब भगवान की वजह खुश हो सकते हैं तो बन्नी तो हो ही सकती है ना। देखा देखा, मुझे पता था तुम खुश हो जाओगी। ईवान को पता था तुम खुश हो जाओगी। बन्नी तुम अभी अंदर कह रही थी ना कि तुम्हें ऐसा जीवन साथी चाहिए, मतलब एक तुम अच्छा जीवन साथी तभी तुम शादी करोगी वरना तुम शादी नहीं करोगी, तो तुम्हें कैसा पति चाहिए? मुझे कोई ऐसा चाहिए जो हमारे बीते हुए कल के दर्द को, हमारे माँ के दुख को समझ सके। जैसे ईवान समझता है, जैसे मैं समझता हूँ ना माँ के दर्द को। बनी मासा है थारी और मैं रहती मारी माँ भी,
तो उन दोनों के तारे वहाँ दूर दूर रहते हैं या पास पास? उधर उन दोनों के तारे आपस में मिले होंगे, तभी तो यहाँ हम दोनों के तारे मिले हैं। कोई ऐसा जो हमेशा हमारा ध्यान रखे। बन्नी, जैसे विमान तुम्हारा ध्यान रखता है बन्नी, बिल्कुल वैसे ना, जैसे चाहे कुछ हो जाए बन्नी को कुछ नहीं होना चाहिए, वैसे ही ध्यान रखने वाला कोई चाहिए तुम्हें। उस लड़की ने कहा था कि अगर हम एक नारियल देंगे ना भगवान जी को, तो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आएंगे, तो मैंने सारे नारियल ले लिए। मैंने सोचा अगर हम सारे नारियल चढ़ाएंगे तो भगवान जी तुम्हारे चेहरे पे फुल लाइफ के लिए स्माइल लाएंगे ना। और जो हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करे, वो भी वैसे जैसे युवान कहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि बन्नी के सारे सपने समझो और उसमें मैं बन्नी का साथ दूँ, जैसे मैं कहता हूँ ना कि बन्नी हम दोनों मिलकर बन्नी चाहो मेमोरी को बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे, वैसे। पता है बन्नी, दादू है ना दादू, वो कहते हैं हमारे पास बहुत सारा पैसा, मैं सारा पैसा तुमको दे दूंगा, तो तुम सारे पैसे से ना तो अपना बिजनेस बड़ा बनाना पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस कर देना। और कोई जो हमारे से इतना प्यार करे जितना हमारी माँ हमारे से करती थी? बन्नी, वो उतना प्यार तो सिर्फ ईमान तुमसे कर सकता है, जितना माँ करती है ना उतना सिर्फ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ना तुम्हें बन्नी बहुत 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 प्यार करता हूँ। ये भी पहनाता हूँ तुम्हें। बहुत प्यारी है। नहीं नहीं, पर मैंने तो बन्नी को प्रॉमिस किया है ना कि मैं शादी की बात नहीं करूंगा। आइडिया, हाँ बन्नी, तुम ना मेरे साथ आओ जल्दी। कहाँ? आओ ना बन्नी। युवान बताओ तो सही। बताता हूँ। युवान, अरे आओ तो सही। भगवान जी नमस्ते, मैं युवान और ये बन्नी। भगवान जी मुझे ना आपसे एक चीज मांगनी है, सिर्फ एक ही चीज पक्का, बन्नी को ना एकदम मेरे जैसा पति दीजिएगा, एकदम युवान टाइप का हस्बैंड। हाँ, तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब युवान ने बन्नी को ना प्रॉमिस कर दी है, या ऐसे मम्मा वाली प्रॉमिस कर दी है कि मैं कभी बन्नी से शादी की बात नहीं करूँगा। तो जब शादी की बात ही नहीं करूंगा तो फिर शादी कैसे करूंगा, है ना? इसीलिए आप बन्नी को युवान जैसा हस्बैंड दीजिएगा, जैसे मैं बन्नी का ध्यान रखता हूँ ना, वो भी बन्नी का बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखे, जैसे युवान बन्नी से प्यार करता है ना, बहुत सारा प्यार, वैसे ही वो भी बन्नी से बहुत सारा प्यार करे। और जैसे मैं चाहता हूँ ना कि बन्नी के सारे सपने पूरे हों, मैं बन्नी के सारे सपनों में उसका साथ दूँ, वो भी बिल्कुल वैसे ही हर सपने में बन्नी का साथ दे, ऐसा पति दीजिएगा। मेरे जैसे और भी तो बनाए होंगे ना आपने, बस उनमें से एक उठा के बन्नी को दे दीजिएगा, बन्नी का पति बनाकर, ठीक है? हाँ भगवान जी, आप बन्नी के पति को ना सब कुछ नहीं, आप ना सब कुछ युवान जैसा दीजिएगा भगवान जी, बस एक चीज छोड़ के, आप ना उसे मेरे जैसा पागल मत बनाइएगा।
ठीक है बन्नी, बन्नी मैंने भगवान से मांग लिया, मैंने प्रार्थना कर दी और भगवान को बोल दिया मैंने। और पता है बन्नी, भगवान जी ना युवान की प्रार्थना सुनते हैं, मानते हैं ना? हाँ मानते हैं मानते हैं। वो ना तुम्हें बन्नी बहुत अच्छा लड़का देंगे, ढंग का लड़का, बिल्कुल वैसा जैसा तुम्हें चाहिए। वान तुम्हारे हाथ से गया, ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे हाथ से चला जाएगा माननी। वो कहते हैं ना कि अपनी दुश्मनों को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तीज के दिन बहुत साल पहले, जैसे हमारी पूरी जिंदगी बदल गई थी, कुछ ऐसा हुआ था जो भुलाते ना भूल सकती मैं। तभी हमारे पापा को क्या हो गया था, वो बात बात पे हमारी माँ पे चिल्लाते, डांटते, उसे मारते उसे। मुझे भी बहुत डर लगता था अपने पापा से, क्योंकि वो मुझे भी मारते थे। ये तो पूरा गीला हो गया। गीला गीला नहीं पहना युवान को ये। हाँ हाँ, नहीं पहना गीला टी शर्ट। वो बड़े घर के वो अमीर लोग, उन्होंने हमारी माँ को इतना सताया, जीना मुश्किल कर दिया उस अकेली औरत का। पर हमारी माँ वो बहुत लड़ी, लड़ लड़के लड़ लड़के हार गई वो। हाँ, वैसे बन्नी ने प्रॉमिस तो किया था कि वो रोएगी नहीं, लेकिन उसने प्रॉमिस तोड़ दिया। तो अगर बन्नी रो रही होगी तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, बन्नी को रोने नहीं देगा ये बात। नहीं, मैं अभी जाऊंगा बन्नी के पास।
नहीं 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 नहीं, अगर बन्नी ऐसे ऐसे अचानक से उठ गई और फिर रोने लगी तो फिर बन्नी के आंसू कौन पूछेगा? नहीं, युवान यहीं रुकेगा बन्नी के पास, ऐसे रोएगी ना तो ऐसे आंसू पूछ दूंगा उसके तुरंत। चल चल, पंडित जी नमस्ते। नमस्ते, मैं बन्नी की मामी हूँ और ये बन्नी के मामोसा हैं। बन्नी और युवान यही ठहरे ना? जी, वो उधर तीर्थयात्रियों के लिए जो कमरे बने उसी में ठहरे। इतनी गर्मी है, सारे कमरे देख लिए, कहाँ हैं दोनों? थोड़ी सी मंदिर है ये, क्या कर रहे हो? चलो आओ। राम 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 राम, मुझसे तो देखा नहीं जाता, नाक काट दी छोरी ने, मुंह पे कालक पोत दी। हे संगुजी, ये बन्नी ने क्या दिखा दिया? जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अरे हमें मौका मिला है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारा सारा का सारा काम आसान हो गया। के बोल रही है बावरी? बताती बेशरम कहाँ जा रही है? फोटो काहे खींच रही है, क्या करे इसका? इससे ना हमारी बहुत बड़ी वाली मदद होने वाली है, बन्नी की बहुत बहुत बड़ी वाली बदनामी होने वाली है, उसके सारे के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और हमारे तिजोरी का रास्ता हमेशा के लिए खुल जाएगा। अरे मारी चतुर मोरनी बन्नी, अपनी माँ से भी ज्यादा बदनाम हो जाएगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।